उदाहरण अलंकार के बाद उसी से जो मिलता जुलता अलंकार है वो अलंकार है दृष्टांत। और जिसके बारे में पहले जैसे बताया था कि उदाहरण अलंकार में जो उपमावाचक शब्द होते हैं वो आप हटा दो, पीछे वही पंक्तियां उदाहरण अलंकार के उदाहरण न रहकर दृष्टांत अलंकार के उदाहरण बन जाएगी। परिभाषा में ज्यादा कोई अंतर नहीं है दोनों में। ध्यान देखो, इतना ही रखना है कि जब एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात दृष्टांत के रूप में कही जाती है, वैसे हम क्या दृष्टांत और उदाहरण को एक ही शब्द मानकर चल लेते कि भाई एक ही शब्द है। जैसे संत और साधु, देखने में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही शब्द है, उसी प्रकार इसमें भी वही बात है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात कह दी उससे मिलती जुलती दृष्टांत के रूप में दूसरी बात जब कही जाती है वो दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें उपमावाचक शब्द कुछ नहीं होते। जो उपमावाचक शब्द अगर आ गए तो वो उदाहरण बन जाएंगे और वो शब्द हटाते ही दृष्टांत का बन जाएगा। अब यहां देखो इसका उदाहरण है, सिमिट सिमिट जल भरे ही समान तलावा तदगुण सज्जन पे आवा। जिस प्रकार से सिमिट सिमिट जल भरे ही तलावा, तलाब होता है पानी का, वो धीरे 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 थोड़े थोड़े पानी से करते करते वो तालाब पूरा भर जाता है। जैसे बरसात आती है थोड़ा थोड़ा पानी उसमें इकट्ठा होता जाता है और वो तालाब क्या होता है पूरा पानी से भर जाता है। तद्गुण सज्जन है, तद्गुण यानी उसी के समान गुण, यानी यहां पर हम चाहे तो ये कह सकते हैं सद्गुण अच्छे गुण। तद्गुण सज्जन पे आवा, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है उसी में वो धीरे धीरे गुण आते, अर्थात उसी के समान जब धीरे धीरे गुण ग्रहण करता है व्यक्ति में धीरे धीरे गुण ग्रहण हो जाते तो वो एक जैसे सज्जन पुरुष बन जाता है, गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, वो ज्ञानी पुरुष बन जाता है। जैसे थोड़े थोड़े जल के आने से तालाब भर जाता है वैसे ही गुणों से धीरे धीरे गुण ग्रहण करने से संत पुरुष सज्जन पुरुष बन जाते। दूसरा उदाहरण भी देखिए, इससे मिलता जुलता ये दृष्टांत का, तत्व गहत ज्ञानी पुरुष। देखो ये जो शब्द लिखे हैं ना ये एक सदुकड़ी भाषा के हिसाब से, वैसे हम जो ज्ञानी शब्द लिखते हैं उसमें और इसमें लिखने में थोड़ा अंतर है, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा इसमें सीधा। तत्व गहत ज्ञानी पुरुष बात बिचारी बिचारी मथनहार तजी छाछ को माखन लेती निकारी। मथनहार किसको कहते हैं? मथनहार दही को मथने वाली औरत, मतलब जो दही को मथती है और उसमें से माखन अलग होता है छाछ अलग होती है। दूध से दही जमता है, दही का फिर दही को मथने से छाछ अलग हो जाएगी और मक्खन उसका अलग निकल जाएगा। तो वही उदाहरण यहां पर देखो, तत्व गहत ज्ञानी पुरुष बात बिचारी बिचारी। ज्ञानी लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो पूरे विचार करके हर बात के ऊपर विचार करके अच्छी तरह से विचार करके उनके तत्वों को ग्रहण करते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं। ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, समाज में रहते हैं सबकी सुनते हैं वो अच्छी भली बुरी सारी, लेकिन वो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते जाते हैं और हर बात के ऊपर विचार करते हैं। जिस प्रकार से मथनहार तजी छाछ को माखन लेती निकारी, जिस प्रकार दही को मथने वाली औरत है वो छाछ छाछ छोड़ देती है और उसमें से माखन निकाल लेती है, छाछ वहीं छोड़ दी और उसका जो मूल अंश था माखन था वो निकाल लिया। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति होती है, वो हर बात पर विचार करते हैं, हर बात को भले बुरे की दृष्टि से देखते हैं और अच्छी बातें होती है उनको ग्रहण करते जाते हैं, बुरी बातों को छोड़ते हैं। जैसे मथने वाली दही को मथने वाली औरत है वो छाछ छोड़ देती है और उसमें से माखन निकाल लेती है। अब इन्हीं दो उदाहरणों के अंदर ध्यान से देखना, अगर इन्हीं दो उदाहरणों के अंदर हमने यहां अगर उपमावाचक शब्द जोड़ दिया इन्हीं दो उदाहरणों में, अब ये दोनों के दोनों उदाहरण उदाहरण अलंकार में चले जाएंगे, याद रख लेना। जो उपमावाचक शब्द लगा दिया लगाते ये दोनों उदाहरण अलंकार के अंदर चले जाएंगे और जो शब्द हटाया दृष्टांत अलंकार में हो जाएगा। तो दोनों में मतलब समानता है,
भेद नहीं है, भेद सिर्फ उपमावाचक अलंकार का है और ज्यादातर उदाहरण दोनों के समान ही मिलते हैं। समझाने के लिए भी इसी प्रकार से समझाया जाता कि उदाहरण अलंकार दे दिया, उसके पीछे दृष्टांत अलंकार दे दिया और उसमें से उपमावाचक शब्दों को हटाकर और वही उदाहरण वापिस आपके सामने दे दिए जाएंगे और उन्हीं उदाहरणों से के आधार पर पता कर लोगे। तो ठीक है, उदाहरण अलंकार अगर वो समझ में आ गया तो दृष्टांत अपने आप में पूरा समझ में आ गया। तो दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं, सिर्फ और सिर्फ उपमावाचक शब्दों का अंतर है।